तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आई होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका भाई भी बहुत ही बढ़िया है। तो भाई आज है 7 तारीख और कल है 8। तो कल है होली, तो होली के लिए थोड़ा सा जो सामान वगैरह ख़रीदना था उसके लिए जा रहे हैं। तो मैं कहा चलो आज एक अपने लखनऊ की मार्केट की वीडियो बनाते हैं, तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज वाली वीडियो अच्छी भी लगेगी। तो चलिए पहले ऑटो पकड़ते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई अपन लोगों ने बस नहीं तो सॉरी ऑटो नहीं किया, बस जा रही थी, मैंने बस कर लिया, ठीक है? और बस का टिकट था, मैं बड़े दिन बाद आया हूँ, तो पहले 10 रुपये था, लेकिन अब ये 70 रुपये है। ये देखो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 70 रुपये टिकट हो गया। बाकी ये वाली जो बस है वो है AC वाली, उस वजह से मेरे ख्याल से 7 रुपये प्लस है, बाकी ठीक है ना। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई फाइनली पॉलिटेक्निक आ गए, अब यहाँ से आगे चलते हैं मेट्रो स्टेशन चल के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे इंदिरा नगर से, ठीक है? इंदिरा नगर से मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे चारबाग को। तो इंदिरा नगर से लेके चारबाग के बीच मेट्रो का आप देखना, बाकी मेट्रो का ना खाली ऊपर से व्यू दिखाऊंगा, तो व्यू देखिए, बाकी फिर हम आपको मिलेंगे चारबाग में, ठीक है? तो चलिए पहले टोकन वगैरह लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? चलो next station is Charbagh.
भाई फाइनली चारबाग मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, लेकिन अभी थोड़ा मूड अपसेट है। एक थोड़ा सा मसला हुआ है, वो बताऊंगा मैं घर पे, क्योंकि वो घर पे ही बताने लायक है। तो घर पे पहुंच के फिर बताऊंगा। बाकी अभी यहाँ चारबाग मेट्रो स्टेशन पे हूँ, ठीक है, बैक साइड ये देखो। तो चारबाग मेट्रो स्टेशन पे हूँ, तो मैं यहाँ से ना एक दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शूट करूँगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो भाई मैं जो वहाँ चारबाग मेट्रो स्टेशन पे बात बता रहा था कि एक मसला हो गया था, वो मसला एक्चुअली ये था कि मैं जैसे नॉर्मली अपना वीडियो शूट कर रहा था, ठीक है, वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं मेट्रो का इंटरनल एरिया था वो शूट कर रहा था, तो जहाँ से एंट्री होती है तो वो शूट कर रहा था। तो थोड़ी देर तक की तो कुछ नहीं था, उसके बाद एक गार्ड आया मेरे से, कहता है कि भैया वीडियो अलाउ नहीं है, आप वीडियो डिलीट कर दो। मैं उसको वीडियो उसके सामने ही मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद उसने मेरे और वीडियो देखे, फिर वो मेरे को लेके मतलब जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उनके पास लेके चला गया, ठीक है। पुलिस वाले पास लेके जा गए तो फिर उन्होंने देखा, फिर वो कहने लगे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। मैंने उनको बताया कि मैं इस चीज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वो नहीं मान रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। मैं उनको कन्विंस भी कर रहा कि सर मेरा कोई ऐसा पर्पज नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब मैं मतलब अपना चेकिंग करा रहा था ना, तो वहाँ पे एक लोग से पहले से उनकी बहस हो रही थी, तो मैं अपना शूट कर रहा था लेकिन उनकी वॉइस जो है वो मेरे फ़ोन में आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं फाइन वगैरह के बारे में बता रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई फाइन नहीं लिया, ये चीज़ मैं कहूँगा। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैंने उनके मतलब काम में जो है ना वो रुकावट डाली, उस चीज़ के बारे में वो कह रहे थे कि इस पे हम एक्शन लेंगे। तो मैं उनको बहुत ही समझाने की कोशिश किया, फिर पता नहीं क्या हुआ थोड़ी देर तक कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरे को नहीं पता। थोड़ी देर तक खड़ा रखा, उन्होंने मेरी सारी वीडियो डिलीट करा दी, जितनी भी रिकॉर्ड की थी सारी उन्होंने डिलीट करा दी, जो मैं घर से भी बना के ले गया था ना वो सारी उन्होंने डिलीट करा दी थी। तो फिर मैंने ना कहीं पे शूट नहीं किया, फिर मैं सीधा मेट्रो पे जाके मेट्रो शूट किया है। तो इस वजह से वो फिर मेरा मूड ऑफ हो गया था ना, तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया, उसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट वीडियो बनाने लग गया था। तो यही चीज़ थी यार, यही चीज़ बतानी थी, वरना आप ये कहोगे कि मतलब थोड़ी बहुत ही दिखाई ना, मैं दिखा जिस हिसाब से दिखाना चाहता था पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं वैसे नहीं दिखा पाया। तो इस बारी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगा, और जहाँ तक कि हो सकेगा जितना अलाउ होगा उतना दिखाऊंगा। बाकी बस इतनी थी, यही बातें थी। तो बाकी आप जहाँ अगर यहाँ तक की वीडियो देख लिए होंगे तो पसंद आई होगी भाई, तो ठीक है, ना कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, ठीक है।